हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के मैथमेटिकल फॉर्मूला पार्ट टू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मीन, इन, मोड, राउंड एंड एसक्यूआरटी। हमने बताया था कि एक्सेल में थ्री टाइप्स के फंक्शन होते हैं, मैथमेटिकल, टेक्स्ट एंड लॉजिकल फंक्शन। तो हमने इस एरिया को इसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला का पार्ट टू वीडियो है, जिसमें आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला पूरे कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सम में मैंने क्या बताया था? प्लस करने के लिए। प्रोडक्ट में बताया था इनटू करने के लिए। मैक्स, आपका जो भी मैक्सिमम नंबर है वो सेल रेंज से फिल्टर कर देता है। मीन, जो आपका मिनिमम नंबर है वो फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। एंड, यदि आपको किसी नंबर से डिवाइड करना है तो डिवाइड का जो भागफल होता है, आंसर होता है, वो शो होता है। बट ध्यान रहे, डेसिमल के बाद का आंसर ये शो नहीं करता। मोड आपका रिमाइंडर शो करता है, जो भी आपका शेषफल हो, भागफल, भाग निकालने में जो आपका शेषफल आता है वो आपका मोड दिखाता है। राउंड, आप डेसिमल के बाद कितनी संख्या को रखना चाहते हो ये आप राउंड द्वारा डिसाइड कर सकते हो। एसक्यूआरटी यूज होता है आपका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाई। नाउ रन बिटवीन सम एस क्यू, काउंट, काउंटा, काउंट इफ एंड सम इफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसे हम हटा देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला दिया है पाई का। तो पाई किस लिए यूज़ होता है? पाई का मान निकालने के लिए यूज़ होता है। पाई का मान जो होता है वो आपका होता है 22/7, जो अगर आप डिवाइड करके दिखाओगे तो उसमें आपका समथिंग 3.14 आंसर आता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, हमने बताया था कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इक्वल कीजिए और पी आई लिखकर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ आपका पाई का मान आ चुका है। इसके बाद आता है नाउ। नाउ क्या करता है? करंट डेट एंड टाइम शो कराने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए भी आप सिंपली क्या करो, इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना है नाउ एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो जो भी आपका करंट डेट है, मीन्स आपका दिया हुआ है 11 अक्टूबर 2022 और टाइमिंग है आपका 4:43। तो ये आपका करंट डेट एंड टाइम शो करता है। इसके बाद आते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या करता है? दो नंबर के बीच में रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस तरह के फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। जैसे यदि आप रिजल्ट ही बना रहे हो और एक्सेल पे काम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ता है? रिजल्ट का आपको नंबर देना पड़ता है। तो आप लिखोगे तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको फटाफट काम करना है। तो आप रैंड बिटवीन से नंबर यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है रैंड बिटवीन और दो नंबर के, जिन दो नंबर के बीच में आपको संख्या चाहिए उन दो नंबर को लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमको 33 एंड कॉमा 100, मीन्स 33 एंड 100 के बीच में नंबर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपका क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया। अब देखिए, आप इस पर दोबारा क्लिक कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, मीन्स आप F2 क्लिक करके दोबारा कीजिएगा, कोई और नंबर आ जाएगा। फिर ऊपर जाइए, F2 प्रेस कीजिए, फिर दोबारा कीजिए, कोई और नंबर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है भाई, हर बार नंबर चेंज होगा तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे वो अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका नंबर आ गया, कॉपी करते हैं इसको। कॉपी करने के बाद आपको जितने एरिया में चाहिए उतना एरिया आप सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 33 एंड 100 के बीच में आपका नंबर आ गया है। अब इस नंबर को क्या, यहाँ पे देखिए, कहीं भी आप F2 प्रेस कर रहे हो, कहीं भी F2 प्रेस कर रहे हो, ठीक है, इंटर कर दे रहे हैं, देखिए आपके सारे नंबर चेंज हो जा रहे हैं। तो नंबर को फिक्स करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा स्टेप। नंबर को फिक्स करने के लिए पहले आपको इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर देना है, यहाँ कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी, जिस भी एरिया में आपको रखना है, चलिए हम नीचे कर ले रहे हैं, जिस भी एरिया में आपको रखना है उस एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया है पेस्ट स्पेशल का। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे दिया होगा एक आपका वैल्यू का ऑप्शन, यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका वैल्यू का ऑप्शन देगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है।
अगर आपका वैल्यू का ऑप्शन इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पेस्ट में जाइएगा और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है। पेस्ट स्पेशल में आपको क्या क्लिक करना है, वैल्यू को, फॉर्मूला को नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है इसीलिए वो आपका चेंज हो रहा है। तो वैल्यू को क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। अब आप F2 प्रेस कीजिए ना, ये आपका नंबर चेंज नहीं होगा, आपका फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका नंबर फिक्स हो गया है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली क्या करना था, आपको कॉपी करना था। कॉपी करने के बाद एक बार और दिखा दे रहे हैं, देखिए हमने F2 प्रेस किया और यहाँ पे इंटर कर देते हैं, आपके सारे नंबर चेंज हो जा रहे हैं। इस नंबर को फिक्स करने के लिए नॉर्मली आप इसको कॉपी कीजिए, जिस भी एरिया में आपको पेस्ट करना है उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट नहीं भी करेंगे, आप एक ही सेल में रखेंगे तो भी वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पेस्ट पे जाना है, यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो ये आपका जो नंबर है, जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ये आपके फिक्स हो जाते हैं, चेंजेस नहीं होते। तो अब इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये रहा आपका रैंड बिटवीन, जो दो नंबर के बीच में रैंडम नंबर देता है। आपको क्या करना है, यदि आपको उसको फिक्स करना है, कॉपी करने के बाद वैल्यू के साथ उसको पेस्ट करना है। इसके बाद आते हैं सम एस क्यू। सम एस क्यू क्या करता है, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद सम कर देता है, यानी जोड़ देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया कोई भी, तो इसका क्या करेगा, पहले स्क्वायर करेगा फिर जोड़ देगा। तो इसका स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ आपका 16 आएगा, तो उसका आपका प्लस करके दे देगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, इक्वल टू सम, सम एस क्यू, एंड आपको ये सेल रेंज आपको सेलेक्ट करना है। सेल रेंज आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो नंबर को भी कॉमा डाल के लिख सकते हो। इंटर करने के बाद यहाँ देखिए 45 आया। 45 कैसे आया है भाई, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 4। 25 का कीजिएगा, 5 का कीजिएगा 25 आ जाएगा, और 4 का कीजिएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो इन तीनों को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो हम भी क्या करते हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं। हमने बताया था ऑटो सम के लिए क्या करना है, ऑल्ट और प्लस को क्लिक करना है, यहाँ पे आपका जो ऑटो सम है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस कर दिया, यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला आ गया, एंटर कर दीजिए, ये आपका 45 आ गया है। तो सम एस्क्यू क्या करता है, पहले स्क्वायर करता है और फिर नंबर को क्या करता है, जोड़ देता है। इसके बाद आते हैं काउंट। काउंट क्या करता है, किसी भी सेल में कितना नंबर है उसको काउंट करता है। अब यहाँ भी क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को और नंबर को कर देते हैं मिक्स। जैसे यहाँ पे मैंने कोई अल्फ़ाबेट ही लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट ही लिख दिया, और यहाँ पे हमने कोई और अल्फ़ाबेट लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कुछ और लिख दिया। अब यहाँ कितना नंबर है उसको गिनना है, तो काउंट का यूज़ होगा। इक्वल टू लगाया और यहाँ पे लिख दिया काउंट, और यहाँ पे हमने कर लिया सेल रेंज को सेलेक्ट, इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 5 आया। 5 कैसे आया है, 1 2 3 4 5, काउंट में गिनना। इसके बाद आता है काउंटा। काउंटा क्या करता है, जितना भी आपका सेल यूज़ किया गया है उसको आपको काउंट करके देता है। जैसे हमने कर लिया यहाँ पे काउंटा, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब यूज़ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटर कर दीजिए, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, बट अब आता है काउंट इफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काउंट इफ, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काउंट इफ और सम इफ का। तो इसको हम आपको अटेंडेंस शीट के साथ भी बताएंगे। तो पहले हम नॉर्मली सीख लेते हैं कि काउंट इफ क्या करता है। काउंट इफ किसी एक स्पेशल नंबर को काउंट करता है। जैसे हमारे पास एक एंट्री है जिसमें बहुत सारे बच्चों का डिटेल लिखा हुआ है, उसमें आपको सिर्फ फिल्टर करना है कि भाई बताओ क्लास 7 के कितने बच्चे हैं। तो क्लास 7 क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में पूछ रहा है, किसी एक स्पेसिफिक डिटेल के बारे में पूछ रहा है, तो उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो उसको बता सकते हैं कि 7th क्लास में इतने बच्चे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर को काउंट करने के लिए यानी गिनने के लिए यूज़ होता है। चलिए हम एक फटाफट डाटा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं फटाफट, 5 स्टूडेंट है, ठीक है। ये आपके पढ़ता है क्लास 5 में, ये 7 में, ये 8 में, ये 7 में, ये 4 में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 7 के 2 स्टूडेंट है, छोटा डाटा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ 2 स्टूडेंट हैं, तो हमें बहुत बड़ा यदि आपके पास है डाटा तो उसमें से फिल्टर करना भाई मुश्किल होगा, है ना, मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं काउंट इफ, यहाँ हम लिख देते हैं काउंट इफ। काउंट इफ करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है और कॉमा करने के बाद आपको लिख देना है किसको गिनना है भाई, 7 को गिनना है, तो 7 लिख के एंटर कर दीजिए, ये बता दिया आपका 2। तो काउंट इफ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक अटेंडेंस सीट के साथ भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका नॉर्मली हमने यही सीखा कि आपका किसी स्पेसिफिक नंबर को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अटेंडेंस सीट में कि किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं, कैसे उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है सम इफ। सम इफ क्या करता है, किसी स्पेसिफिक नंबर को जोड़ कर देता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक नंबर को जोड़ कर देता है। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल सम इफ और कर लेते हैं सेल रेंज को सेलेक्ट, कॉमा लगाकर जो भी आपका स्पेशल नंबर आपको सम करना है यहाँ पे लिख देना है, मैंने लिख दिया 2। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका 6 आंसर आ गया है। तो आज का आपका वीडियो समाप्त हुआ मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ। यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कल हम सीखेंगे कैसे हम अटेंडेंस सीट बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।